हेलो नमस्कार दोस्तों, 26 नवंबर 2018 की हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज ये कुछ क्वेश्चन डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली आपको स्टेटमेंट दिए गए, क्वेश्चन देख लेते गए। क्वेश्चन ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, मतलब आईटी सेक्टर की बात यहाँ पे की जा रही है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, कि सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बेंगलोर और कैलिफोर्निया के बीच में मौजूदा समानताएं हैं। पहला इस ऑप्शन आपके सामने कि दोनों शहरों का मौसम सुहावना है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि कुशल श्रम की अवेलेबिलिटी है। तीसरा दिया गया है कि गर्म और नम जलवायु वहाँ की है। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि शहरों के चारों ओर बाजार के लिए महान कॉन्टेक्ट या लिंकेज हैं, वो अच्छे बने हुए हैं। अब आपको पता है, देखो हमारे देश में बेंगलोर है वो बेसिकली आईटी सिटी, या हम बोलते हैं कि उसके तौर पे हब के तौर पे जाना जाता है। क्यों? तो आप एक चीज सोचिए कि बेंगलोर का मौसम तो ऑब्वियसली सुहाना है और इसके लिए काफी फेमस भी है। तो मतलब कहीं ना कहीं पहला स्टेट ऑप्शन यहाँ पे सही है, वो हो जाता है। हम एक एक करके इन ऑप्शंस को देखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है कि कुशल श्रम की अवेलेबिलिटी, मतलब वहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है वो अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बेंगलुरु में स्किल्ड लेबर की कमी नहीं है, काफ़ी अच्छी वहाँ पे लेबर है, वो बेसिकली मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। और इसके बाद में हम बात करते हैं एक बार फोर्थ स्टेट ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, शहर के चारों ओर मार्केट के लिए काफ़ी अच्छे लिंकेज हैं, कॉन्टैक्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि बेंगलुरु के आसपास काफ़ी अच्छे बड़े बड़े मार्केट हैं, तो ये ऑप्शन भी सही होता है। अब एक बार आप ये देखिए, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि गर्म और नम जलवायु, मतलब ये कह रहा है कि वहाँ पे गर्म जलवायु है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सुहावना मौसम है। तो देखो कहीं ना कहीं पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए आप आराम से इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो कि इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, और इस आधार पर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट है वो कर सकते हो। इसके साथ ही हम बेंगलोर के कुछ और फैक्ट देखें कि बेंगलोर है वो दक्कन प्लेटू के ऊपर बेसिकली स्थित है, जिसे बेसिकली सिलिकॉन पठार के नाम से जाना जाता है, और बेसिकली इसे इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। वैसे तो देखो सिलिकॉन वैली है वो यूएसए में फेमस है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, चिप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती हैं, और इसीलिए उसी तर्ज पर बेसिकली इंडिया में सिलिकॉन वैली है वो बेसिकली बेंगलुरु को कहा जाता है। वहाँ का जो जलवायु है या वहाँ का क्लाइमेट हर साल पूरे साल भर अच्छा रहता है, और इसीलिए बेसिकली जाना जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन वैली है वो नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन के बगल में बेसिकली स्थित है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ का जो इन्वायरमेंट या क्लाइमेट है वो बेसिकली समशीतोष्ण टाइप का है, मतलब टेम्परेट वहाँ की जलवायु है। ये चीज़ भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेट टाइप की है, ना कि ट्रॉपिकल टाइप की है। और टेम्परेचर है वो मतलब ठीक ठाक रहता है। तो ये कुछ बेसिकली यहाँ पे फैक्ट है वो दिए गए हैं, और उसी आधार पर इंडिया में बेंगलुरु की लोकेशन है वो है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यह है कि जमशेदपुर है वो देश में सबसे सुविधाजनक आयरन और स्टील केंद्र क्यों है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि है रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि है लोह अयस्क, कोयला और मैंगनीज के भंडार के करीब है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि कोलकाता एक बड़े बाजार प्रोवाइड है वो करवाता है। चौथा ऑप्शन दिया गया है खाकाई और सुवर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त पानी की आपूर्ति है वो की जाती है। तो देखो अगर थोड़ा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट है वो कर सकते हो, और इसमें बेसिकली चारों के चारों ऑप्शन ही सही है। रेलवे स्टेशन नज़दीक है जिससे कि सामान का ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक सर्विस है वो अच्छी रहती है, और सामान का आयात निर्यात है वो किया जा सकता है। बेसिकली तो निर्यात ही होता है, तो निर्यात इसका आसानी से हो जाता है। इसके साथ ही आपको पता है कि जमशेदपुर है, आपको पता है कि उसके आसपास का एरिया काफ़ी अच्छा फेमस है। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे लोह अयस्क हैं, या फिर इंडिया के मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, वो बेसिकली वहाँ पे पाए जाते हैं। झारखंड वाला जो बेल्ट है इसमें पूरे में खनिज काफ़ी ज़्यादा हैं, छत्तीसगढ़ वाले इस पूरे बेल्ट में, तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है यहाँ पे हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कोलकाता एक बड़ा मार्केट है। ओबियसली आपको पता है कोलकाता इंडिया की पुरानी कैपिटल थी, तो वहाँ वो काफ़ी बड़ा मार्केट है, और वहाँ के पोर्ट के थ्रू सामान बाहर एक्सपोर्ट वगैरह भी किया जाता है। और चौथा स्टेटमेंट भी सही है कि खाकाई और सुवर्णरेखा नदियों के पानी से जिस पानी की जरूरत होती है बेसिकली इंडस्ट्रियों में, वो पानी की आपूर्ति की जाती है। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सा कथन भारत में सीमेंट उद्योग के बारे में सही है, मतलब सही स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रति व्यक्ति खपत लोगों की भलाई के मापन के लिए महत्वपूर्ण सूचक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि यह एक कच्चा माल उन्मुख उद्योग है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है काल का मुख्य कच्चा माल है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है भारत में एक सीमेंट है वो उन्नत उद्योग है, मतलब भारत में सीमेंट है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में, या बोल सकते हो कि एडवांस सीमेंट इंडस्ट्री है वो इंडिया की फेमस है। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसके लिए हमें तो कुछ सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट हैं वो पता होना चाहिए।
देखो, सबसे पहली बात क्या है कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल की काफ़ी अहम जरूरत होती है, और बेसिकली जहाँ पे कच्चा माल मिलता है उसके आसपास सीमेंट की फैक्ट्री हैं वो लगाई जाती हैं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हमें ध्यान में रखना है कि हाँ भाई, कच्चे माल उन्मुख उद्योग है, वो बिल्कुल यहाँ पे हो जाता है। अब देखो, जो कालका है वो बेसिकली आपको बता दूं कि सीमेंट के लिए इम्पोर्टेंट एस या कच्चा माल नहीं है, इसके लिए चूना पत्थर है। सीमेंट को बेसिकली चूना पत्थर के द्वारा बनाया जाता है, और सीमेंट में 60 से 65% हिस्सा वो के लिए चूना पत्थर का ही होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि चूना पत्थर काफ़ी अहम होता है, और चूना पत्थर इसका मेन रॉ मटेरियल है। तो ये कुछ फैक्ट है इसके, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है, कंसिडर द लोकेशन ऑफ शुगर मिल्स। तो शुगर मिल की लोकेशन के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला दिया गया है कि चीनी मिलें आमतौर पर गन्ने के पैदावार क्षेत्रों के पास में नज़दीक स्थित होती हैं, मतलब जो चीनी की मिल हैं वो गन्ने के पैदावार के आसपास के एरिया में होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि गन्ने में चीनी की मात्रा बहुत कम है, इस प्रकार गन्ने की लंबी दूरी परिवहन को आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं माना जाता। तो आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। देखो, हम एक एक स्टेटमेंट को एक बार यहाँ पे एग्जामिन है वो करते हैं। आपको पता है कि बेसिकली गन्ने में क्या होता है, रस होता है, उसी से बेसिकली चीनी है वो बनाई जाती है। अब अगर गन्ने को काट लिया जाता है तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे गन्ना सूखने लगता है और उसमें चीनी की मात्रा कम होने लगती है, और गन्ने में वजन भी काफ़ी होता है। तो इसका मतलब अगर गन्ना ज़्यादा टाइम तक पड़ा रहेगा तो गन्ना सूख जाएगा, सूखेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीनी कम पैदा होगी। तो जो भी बेचारा इंसान या जो भी फैक्ट्री वाला खरीद के लेके जाएगा उसको नुकसान हो जाएगा। अगर ज़्यादा लंबा ट्रांसपोर्ट, जैसे मान लो कि 5 या 10 दिन जैसे ट्रांसपोर्ट से सामान पहुँच रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको एक तो किराया ज़्यादा लगेगा, क्योंकि गन्ना वैसे भी हैवी होता है, चीनी कम होती है। तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही होता है, और फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि चीनी की मिलें वो बेसिकली गन्ने के पैदावार क्षेत्रों के पास में स्थित होती हैं, ताकि सामान जो कच्चा माल है वो आसानी से उनको उपलब्ध हो जाए, और ज़्यादा उनको माल ढुलाई वगैरह खर्चा ना करना पड़े। तो इसलिए ए और बी यहाँ पे आंसर है वो सही हो जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ बेसिकली पूछी गई हैं आपसे। देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यमुना की सहायक रिवर के बारे में। तो हमने यमुना रिवर के बारे में पहले डिस्कस भी किया है काफ़ी बार। पहला ऑप्शन दिया गया कि टोन, दूसरा हिंडोन, तीसरा मूसी और चौथा चंबल। अब हमें पता होना चाहिए कि यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी हैं, क्योंकि यमुना आपको पता है गंगा की सहायक नदी है, और गंगा की राइट साइड की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। देखो, यमुना की वजह सबसे बड़ी सहायक नदी है वो तो है टोन, तो ये तो हमें इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टोन सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि बंदरपुष पर्वत से निकलती है। और इसी के साथ आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बड़ा इसका एरिया है। इसी के साथ ही देहरादून उत्तराखंड के पास कलसी के नीचे से यमुना रिवर है, उसका ओरिजिन है वो होता है। अब हम बात करें हिडोन या फिर हिंडोन रिवर की, वो बेसिकली हिमालयन रेंज से निकलती है, और इसी के साथ वो भी ऑप्शन सही होता है। केन और बेतवा है वो अन्य उपनदियाँ, मतलब वो इसकी सहायक नदियों की सहायक नदियाँ हैं। जैसे मान लो कि जैसे गंगा रिवर की सहायक नदी कौन सी है, ट्रिब्यूटरी में बात करें तो गंगा की सहायक नदी है यमुना, फिर यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है उसी तरीके से केन और बेतवा है वो यमुना की उप ट्रिब्यूटरी है एक तरीके से, और चंबल नदी है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अगर हमें सहायक नदी की बात पूछता थी ट्रिब्यूटरी, तो मेन बात आती है यहाँ पे चंबल रिवर की। चंबल रिवर है वो सबसे बड़ी यहाँ पे सहायक नदी है। इसके साथ ही गांधी सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम और ज्वार सागर डैम है वो बेसिकली चंबल रिवर पे ही बने हुए हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और जो मूसी रिवर है वो बेसिकली कृष्णा की एक सहायक नदी है, तो इसमें हमें क्या करना है, मूसी वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि सी ऑप्शन तो तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो तीसरा कहाँ का नहीं है वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, और इस आधार पे हम आराम से टेट कर सकते हैं कि भाई कौन सा यहाँ पे सही है वो होगा। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बचता है कि एक और दो, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चौथा का ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गोदावरी की सहायक नदियाँ पूछी गई हैं, कि गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। पहला ऑप्शन है वो है पूर्णा, दूसरा प्राणहिता, तीसरा मंदिरा और चौथा इंद्रावती। अब हम देखते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। देखो, गोदावरी रिवर है इसे बेसिकली दक्षिण भारत की गंगा के तौर से भी जाना जाता है। इसकी उपनदियों की बात करें तो देखो, इसके बाईं साइड की नदियां हैं वो तो है बाणगंगा, कड़वा, सिवन, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती और यहाँ पे तालीपरी और सबरी। तो देखो, हमें बेसिकली इंद्रावती का पता होना चाहिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। कदम, प्राणहिता, पूर्णा और बाणगंगा ये बेसिकली इसकी मेन ट्रिब्यूटरी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके बारे में तो हमें पता होना ही होना चाहिए कि भाई ये इसके बाएं साइड की ट्रिब्यूटरी हैं। दाएं साइड की ट्रिब्यूटरी में इंपॉर्टेंट बात करें तो परवरा इंपॉर्टेंट है, सिकफाना इंपॉर्टेंट है, मजीरा इंपॉर्टेंट है
या इसको मंजीरा के नाम से भी जाना जाता है, और माहिया। तो ये चीज भी हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि राइट और लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है वो कहाँ है। आप ये बताइए कि जो गोदावरी रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ पे है, गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है, ये आपको बेसिकली बताना है। अब हम देखो बात करें मंजीरा है वो सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है जो कि बेसिकली महाराष्ट्र से ओरिजिन है वो होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली हाईकोर्ट से रिलेटेड है, और ये आपके लिए एक होमवर्क के तौर पर है। क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट है उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया स्टेटमेंट दिया गया है कि उच्च न्यायालय के ओवर बर्डन के मामले में राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीश को अपॉइंट है वो कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट है वो एडिशनल जज की अपॉइंट कर सकता है अगर हाईकोर्ट पे ओवर बर्डन हो रहा है तो। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि राज्यपाल एक न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से स्थानांतरित कर सकता है, मतलब गवर्नर है वो एक जज का ट्रांसफर कर सकता है एक हाईकोर्ट से दूसरे में। दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे है। तो ये थी बेसिकली आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताने की कैसी तो लगी और इसमें क्या क्या हमें और ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं, और अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक जरूर बताएं। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।